इनके अपने गांव पर्री की बात लीजिए, शाहो पर्री की बात आप लीजिए, वहां इनका विरोध है, वहां के जनप्रतिनिधि इनका विरोध कर रहे हैं लगातार। ये बात आप जानिए कि 4 तारीख को मोदी जी की सभा होनी है, 4 तारीख और 5 तारीख के बाद से इन स्थितियों में एक बड़ा बदलाव और वही डिसाइड करेगा कि चुनाव का परिणाम क्या है। बीजेपी और उसके बहाने कहें तो गोपाल जी ठाकुर, इनके पास गिनवाने के लिए रेलवे की 1-2 योजनाओं को छोड़कर शायद कुछ भी नहीं। गोपाल जी तुमको तो वोट नहीं देंगे, लिए लो वोट दिया मोदी जी। भाजपा के उम्मीदवार को 19 मान रहा हूँ और RJD के उम्मीदवार को 20 मान। नमस्कार, मेरा नाम है फैजान और आपने देखना शुरू कर दिया है मिथिला लाइव। कहा जाता है कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं, वो वही कहते हैं जो देखते हैं, जो सुनते हैं और फिर इन दोनों को मिलाकर जो कुछ समझते हैं। तो इन्हीं के नजरिए से आज हम दरभंगा और मधुबनी लोकसभा चुनाव किस ओर जाता नजर आ रहा है, इसको समझने के लिए पहुंच चुके हैं वरिष्ठ और चर्चित पत्रकार रवि भूषण चतुर्वेदी जी के पास। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मिथिला लाइव को समय देने के लिए आपका धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दरभंगा का चुनाव आपके नजरिए से किस ओर जाता अब तक नजर आ रहा है। देखिए, मिथिलांचल एक ऐसा सीट है, मिथिलांचल का ये दरभंगा सीट, जो कि इमरजेंसी के पहले तक कांग्रेस के कब्जे में रहा है और इमरजेंसी के बाद जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद इसमें मूलभूत परिवर्तन हुआ और यहां से क्षत्रिय दल जीतने लगे और उसी के बाद फिर बीजेपी ने यहां अच्छी खासी बढ़त बनाई, अपनी पहचान बनाई और अपने सीट के रूप में इसको परिभाषित किया कि दरभंगा बीजेपी का गढ़ है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वह चुनाव कई मायने में अलग है। पहले की तरह 2019 में आपने देखा कि गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ उम्मीदवार थे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, करीब 2,68,000 मतों से वे पराजित हुए थे और शायद वही देखकर भाजपा आलाकमान ने यह सोचा होगा कि गोपाल जी ठाकुर फिर से सीट निकाल लेंगे। लेकिन जब इन्हें सीट अलॉट हो गया, जब इनको सीट दे दिया गया, उसके बाद जब ये क्षेत्र में आए तो उसके बाद आप एक से एक उनकी कहानियां सुन रहे हैं, विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा यह अभी कहना बहुत ही सुरक्षित नहीं होगा। सर, इसी से सवाल है कि गोपाल जी ठाकुर का भी जो लगातार हम विरोध देखने को मिल रहे हैं गोडियारी पंचायत, जो ब्राह्मण की बस्ती मानी जाती है राजपूत अपर कास्ट का, तो क्या ये माना जाए कि जो स्वर्ण जातियां हैं वो भाजपा से कहीं ना कहीं अब नाराज होती दिख रही है, जिसका असर गोपाल जी ठाकुर के विरोध के रूप में देखने को दरभंगा में मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सवर्ण जातियां बीजेपी से विमुख हो रही हैं। सच्चाई ये है कि गोपाल जी ठाकुर पूरे 5 साल तक सांसद रहे और सांसद से लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं और सांसद का क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि उसको जो फंड मिलता है उसका समायोजन हर क्षेत्र के समानुपाती विकास के लिए शायद किया भी नहीं जा सकता है। और यही कारण है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जीता हुआ उम्मीदवार उसको ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ता है। गोपाल जी ठाकुर के साथ भी अभी यही है ये, और नहीं कहा जा सकता कि यह स्थिति चुनाव के दिन तक बनी रहेगी, इस स्थिति में बदलाव आएगा। आप तो जिस ब्राह्मण गांव की बात कर रहे हैं उसकी बात छोड़ दीजिए ना, इनके अपने गांव पर्री की बात लीजिए, शाहो पर्री की बात आप लीजिए, वहां इनका विरोध है, वहां के जनप्रतिनिधि इनका विरोध कर रहे हैं लगातार। लेकिन ये बात आप जानिए कि 4 तारीख को मोदी जी की सभा होनी है, 4 तारीख और 5 तारीख के बाद से इन स्थितियों में एक बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन बदलाव एक तरफा नहीं होगा, बदलाव हमेशा दो तरफा होगा।
क्योंकि राजद राजद के भी बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, बीआईपी के बड़े नेता उसके बाद जब मैदान में उतरेंगे तो ललित यादव की स्थिति भी उतनी ही तेजी से सुधरेगी। और वोटों का जो बिखराव अभी दिख रहा है उसका ध्रुवीकरण बहुत तेजी से होगा 6, 7, 8 तारीख के बाद, और वही डिसाइड करेगा कि चुनाव का परिणाम क्या आएगा। सर, इसी से सवाल है कि गोपाल जी ठाकुर का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? लगातार सवाल विपक्ष कर रहा है कि 5 साल में उन्होंने एक भी काम नहीं किया। ललित यादव जो दरभंगा से महागठबंधन के प्रत्याशी, उन्होंने साफ चैलेंज किया गोपाल जी ठाकुर को कि वो कोई 5 काम अपने ऐच्छिक कोष से गिनवा देंगे तो वो राजनीति से या इस चुनाव से अपना नाम वापस ले। चलिए, ये कहना तो गलत है कि 5 काम ऐच्छिक कोष से गिनवा देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐच्छिक कोष से काम तो उन्होंने करवाया है, लेकिन उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर जनता के दरबार में, उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर कितना असर है यह जानना महत्वपूर्ण होगा। अब कहीं आपने सड़क दे दिया, कहीं पुल पुलिया दे दिया, कहीं सड़क की ढलाई करा दी, कहीं एक छोटा सा विद्यालय का भवन बनवा दिया, तो ये इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता। इम्पैक्ट क्रिएटिंग प्रोजेक्ट उनका नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि इन्होंने किया क्या, तो ये सही है कि सांसद के पास गिनवाने के लिए कोई बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा नहीं है। जो काम इन्होंने किया है उसमें भी कई तरह के नुक्स हैं। हवाई सेवा, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी, आपको याद है, और केंद्र से लेकर राज्य के सभी लोगों ने, सभी नेताओं ने ये बात कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफर करेगा। शुरुआती दौर में तो ठीक लगा, दिल्ली का भाड़ा 2800 रुपये से लेके 3000, 3500, 3600, 3800 तक रहा, लेकिन एक साल के बाद क्या हुआ सब लोग देख रहे हैं। आज दिल्ली दिल्ली का भाड़ा इस दिवाली में 12000, 14000 रुपये तक चला गया, और ये फिर जल्दी नीचे आता नहीं है। तो ये उड़ान सेवा के, उड़ान योजना के तहत जो कार्यक्रम हम यहाँ शुरू हुआ, जिसके तहत हवाई जहाज यहाँ हवाई सेवा मिली, उसका लाभ कितनों को मिला? नहीं मिला। ये जो आम मतदाता हैं इस दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के, उनके लिए यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उनके लिए उपलब्धि क्या होगी? यहाँ की यातायात सेवा सही हो जाए, यहाँ की चिकित्सा सेवा सही हो जाए, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाए। और अब तो आप भाग भी नहीं सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, चिकित्सा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक आपकी सरकार नीतीश जी के साथ चली है, मतलब कि डबल इंजन की सरकार चली है। तो बीजेपी और उसके बहाने कहें तो गोपाल जी ठाकुर, इनके पास गिनवाने के लिए रेलवे की एक दो योजनाओं को छोड़कर शायद कुछ भी नहीं। बहुत से बहुत का आप कहेंगे अमृत भारत एक ट्रेन इन्होंने दिलवा दी जन जन सामान्य के लिए, बहुत से बहुत कहेंगे कि दरभंगा स्टेशन का कुछ हद तक विकास हुआ है, इनके समय में एक्सीलेटर लगा है, तीनों चारों प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट लगा है, जिससे अब होता क्या है कि यदि कोई मरीज व्हील चेयर से यदि कहीं जाता है और ट्रेन में सफर करना होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसको चढ़ना होता है, तो एक प्लेटफॉर्म पर जाकर लिफ्ट के सहारे उनका व्हील चेयर ऊपर चला आता है, फिर वहां से दूसरे प्लेटफॉर्म पर नीचे चला आता है। ये एक सुविधा बड़ी है, लेकिन ये आम यात्री से इसका भी कोई बहुत लेना देना नहीं। पहले भी लोग चल रहे थे यहाँ, तो आपको ट्रेनों की संख्या बढ़ानी थी, राजधानी का रूट मोड़ के दरभंगा से गोरखपुर की ओर ले जाना था, ये सब काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो लोग तो खोजेंगे, जब 5 साल बाद आप क्षेत्र में आ रहे हैं तो लोग खोजेंगे ना,
और इसका कोई उनके पास जवाब नहीं मिलता है। ऐसे में दोबारा भाजपा ने गोपाल जी ठाकुर को उम्मीदवार क्यों बनाया, आखिर इसके पीछे क्या रणनीति थी, या अगर उम्मीदवार बदल देते दरभंगा में भाजपा शीर्ष नेतृत्व तो क्या कुछ और माहौल देखने को मिलता, चूंकि 2019 और 14 वाली मोदी लहर जैसी स्थिति अभी दरभंगा में फिलहाल बनती नहीं दिख रही है। देखिए, मोदी लहर सचमुच में अब भी साइलेंट है। ऐसा नहीं है कि मोदी लहर है नहीं, लेकिन वह साइलेंट है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब दिखाई देगा 7 और 8 मई के बाद। 13 मई को यहाँ चुनाव है और 7, 8, 9 मई के आसपास आपको ये दिखाई देने लगेगा। ये जो आक्रोश है बीजेपी सांसद के प्रति, यह आक्रोश धीरे 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 कम होने लगेगा। अंत में जो लोग जुड़ना चाहते हैं बीजेपी से, जो मोदी जी का चेहरा देखकर वोट देना चाहते हैं, वे यह कहकर ही वोट देंगे कि गोपाल जी तुमको तो वोट नहीं देंगे, लिए लो वोट दिया मोदी जी को। लेकिन कंटेस्ट अभी भी बहुत तगड़ा है और इस कंटेस्ट में मैं भाजपा के उम्मीदवार को 19 मान रहा हूं और आरजेडी के उम्मीदवार को 20 मान रहा हूं। सवाल यही है कि सर, ललित यादव को कई दशक बाद दरभंगा से महागठबंधन ने या राजद ने एक यादव उम्मीदवार दरभंगा से दिया है, तो उसके पीछे क्या रणनीति, जो यादव जो वोट जो भाजपा की तरफ एक बड़ा तबका मूव कर गया था, क्या उस समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है ललित यादव को यहां से उम्मीदवार बनाकर, और ललित यादव की उम्मीदवारी कितनी मजबूत है भाजपा के सामने, चूंकि लगातार भाजपा से यहाँ 3 बार सांसद दे चुकी है, जीत दर्ज कर चुकी है, ऐसे में ललित यादव क्या वो विजय रथ को यहाँ रोक पाने में सफल होंगे? देखिए, ललित यादव 6 बार विधायक हो चुके हैं, मनीगाछी से 1 बार और फिर दरभंगा ग्रामीण से 5 बार। गोपाल जी ठाकुर का राजनीतिक करियर क्या है? 1 बार विधायक, 1 बार सांसद। तो ललित यादव एक सिंपल विधायक रहते हुए राजनीतिक तौर पर गोपाल जी ठाकुर से ज्यादा परिपक्व राजनेता है। उनकी राजनीतिक शैली, उनकी कूटनीतिक शैली, उसका सचमुच में गोपाल जी ठाकुर के पास कोई सही जवाब नहीं है। इस मायने में ललित यादव हमेशा 20 पड़ते हैं। दूसरी बात है समर्थकों की टोली का, तो ललित यादव ने अपने 30-35 साल के राजनीतिक कैरियर में न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में बल्कि इस पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र जो दरभंगा संसदीय क्षेत्र में आते हैं उसमें उन्होंने अच्छी पैठ बनाई है, अच्छे लोगों की फौज खड़ी की है, अच्छे जिसको कहते हैं ना किलिंग एक्सटिंक्ट वाले जो लोग होते हैं उनको अपने साथ किया है, और यही सारी चीजें एक पूंजी के तौर पर उनके पूरे चुनाव में उभरेगी, जो उनको बहुत ज़्यादा मदद करेगी और राजनीतिक तौर पर उनको ज़्यादा अस्थायित्व दे सके। सर, आप नरेंद्र मोदी की आगामी 4 मई को जो होने वाली सभा है उसके बाद माहौल बदलने की बात कर रहे हैं, तो क्या माहौल बदलेगा दरभंगा में? दरभंगा के मतदाता शिक्षा के नाम पर, जो रोजगार के नाम पर वोट करेंगे या मोदी के चेहरे के नाम पर वोट करेंगे, स्थानीय मुद्दा रहेगा या देशभक्ति का मुद्दा रहेगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा रहेगा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा रहेगा? देखिए, जो बड़े चुनाव होते हैं, बड़े स्तर के जिनका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, वैसे चुनाव में आप देखिएगा कि शुरुआती दौर में स्थानीय मुद्दे हावी जरूर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते हैं वे धीरे धीरे गौण होते चले जाते हैं, और अंत में दो ही तीन चीज पैमाना रह जाता है वोटिंग का, जातीय समीकरण रह जाता है, किसी नेता का चेहरा रह जाता है और आपसी संबंध रह जाता है। तो उस हिसाब से किसी भी चुनाव में आप देखेंगे कि जो मुद्दे होते हैं वह बहुत ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा लोग कोई मोदी का चेहरा देखकर वोट देंगे,
कोई लालू जी का चेहरा देखकर वोट देगा, कोई तेजस्वी जी का चेहरा वोट देखकर वोट देगा, कोई प्रत्याशी की जाति देखकर वोट देगा, और कुछ अपनी जो समर्थित जो कैडर वोट्स हैं वो तो अपने स्वतः जैसे जाते हैं वैसे जाएंगे ही जाएंगे। सर चेहरे की अगर बात की जाए तो बिहार में दो चेहरे हैं, एक तेजस्वी यादव का, दूसरा नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय चेहरा है, तो दरभंगा के मतदाता तेजस्वी यादव के चेहरे पर ज्यादा भरोसा करेंगे या नरेंद्र मोदी पर? क्योंकि तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल में किए गए कामों को गिना रहे हैं। उनका कहना है कि जब उनकी सरकार केंद्र में बनेगी तो वो बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे, तो इस भरोसे पर लोग इतबार करेंगे या कुछ और मुद्दे होंगे? जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है कि यह एक उभरता हुआ चेहरा है राजनीति में, और जिस तेजी से और जिस नए फलक पर इसने अपनी जगह बनाई है वह बेमिसाल है। लेकिन तेजस्वी की बातों पर भरोसा करके कि केंद्र में इनकी सरकार बन रही है, ये अकस्मात किसी को भरोसा नहीं होता कि इंडी गठबंधन की सरकार केंद्र में बन भी सकती है, और यदि बनेगी भी तो कितने टुकड़े टुकड़े में वह सरकार होगी, उसका नेता कौन होगा, उसमें अस्थायित्व तो कितना होगा, ये इन सभी बिंदुओं पर आम लोगों के मन और मिजाज दोनों में शंका अभी से व्याप्त है। तेजस्वी जी जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि लोकसभा चुनाव में इसका असर हो न हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में यह व्यक्ति दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। सर आखिरी सवाल कि दरभंगा का लोकसभा चुनाव वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर होगा या दरभंगा में ललित यादव की लड़ाई सीधा गोपाल जी ठाकुर से है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से है, क्या आप मानते हैं? मेरा मानना है कि ललित यादव ने पहले ये शायद सोचा भी नहीं होगा कि अचानक उनको टिकट देके यहाँ उम्मीदवार के रूप में भेज दिया जाए। तो सांसद बनने की जो लड़ाई होती है, जो संघर्ष होता है, जो उसकी तैयारी होती है, वह कम से कम साल दो साल की तो होती ही है। ललित यादव के साथ एक माइनस पॉइंट है कि वह इसकी तैयारी ढंग से नहीं कर पाया, और जहां तक चेहरे की बात है तो मोदी एक चेहरा है, रहेगा, इस पर किसी को कोई शक सुभा नहीं है, और उसकी तुलना तेजस्वी जी से करना अब भी शायद मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ का जातीय समीकरण है दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का, उसमें मुस्लिम इंटैक्ट हैं, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी सारे के सारे वामपंथी लोग हैं, तो मुस्लिम का वोट कहीं इधर से उधर नहीं जाने जा रहा है, वह करीब 3-3.5 लाख के करीब है। ब्राह्मणों का वोट निश्चित रूप से टूटेगा, ये गोपाल जी ठाकुर इस वोट को इंटैक्ट नहीं रख पाएंगे, 20-25% वोट ब्राह्मणों का भी टूट सकता है। दूसरा तीसरा है मल्लाहों का वोट, तो मल्लाहों के वोट पर आप लाख कहें कि मदन सहनी मंत्री हैं जेडीयू के, हरी सहनी मंत्री हैं, तो इससे मल्लाहों का वोट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा जेडीयू को, यह गलत बात है। आज भी मुकेश सहनी मल्लाहों के निषादों के सर्वमान्य नेता हैं, उसका असर मल्लाहों पर है, निषादों पर है, और यदि ये तीन वोट, और यादव तो खुद अपने हैं ललित जी, इसीलिए उनका उस वर्ग पर वर्चस्व है, उस वर्ग पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है, और बीजेपी के लिए जो यादव वोटर्स थे उसमें से भी बहुसंख्यक तोड़ने में सफल हो पा रहे हैं अभी तक हम लोगों को जो फील्ड से जानकारी मिल रही है। और इस स्थिति में यदि मुस्लिम वोटर्स, निषाद वोटर्स और यादव वोटर्स ये जिस ढंग से गोलबंद होने की ओर बढ़ रहे हैं, यदि ये होता है तो गोपाल जी ठाकुर के लिए यह चुनाव बहुत ही कठिन होगा।
जीत या हार का मार्जिन इस बार क्या हो सकता है आपके आंकलन के अनुसार? चूंकि बीते लोकसभा चुनाव में करीब 3.5 लाख वोटों से गोपाल जी ठाकुर ने यहां एक तरफा जीत दर्ज की थी। मेरा मानना है कि इस बार हार और जीत का फैसला मात्र 1 लाख के आसपास मतों से ही होगा।